नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए। इतनी परेशानी, इतना दुख, संकट कभी नहीं आया होगा जनता पर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। ये वो सीमा है जहां पर मजदूर भाइयों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। कई दिनों तक उन्हें ऐसे ही बिना खाए, बिना पिए, बिना पानी के इंतजाम, बिना किसी इंतजाम के वो ऐसे ही पड़े रहे बॉर्डर पर। और मजबूरी में उनके गुस्से को जब नहीं कंट्रोल कर पाए तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके अपने घर का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। उस बेबसी में लोग पहुंचे हैं। इसी तरह ललितपुर बॉर्डर में, जो दूसरे प्रदेशों में हमारे मजदूर हमारे पत्रकार साथी और लखनऊ से आए हुए सभी पत्रकार साथी, अरे भैया भैया समाजवादी विजय यात्रा, अरे का कार्यक्रम लगातार सफल चल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं, जनता का सहयोग और समर्थन बड़े पैमाने पर मिला है। कुछ दिन पहले भी मुझे हमीरपुर और जालौन कालपी होकर के वापस रथ चलाने का मौका मिला था। वो पहला चरण था, ऐतिहासिक, और पूरा समर्थन दिखाई दिया था। इस बार जिस रास्ते से हम होकर के आ रहे हैं, लगभग बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के सभी जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं।